जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 200.7 किलो सोना तस्करी की कथित मास्टरमाइंड की जमानत खारिज कर दी गई। आपको बता दें कि करीब 120.08 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी सोना तस्करी के आरोप और काफी समय से राजस्व सूचना निदेशालय DRI की आरोपी पर नजर थी। सोना तस्करी के लिए बेरोजगार युवाओं को ये टारगेट बनाता था और देखिए दुबई, मस्कट, शारजहा, रियाद आदि देशों में कार्यरत लोगों को झांसा देकर तस्करी करता था। DRI ने 4 मई को आरोपी को गिरफ्तार किया था। जोड़ा बुलियन सीकर का संचालक जितेंद्र सोनी है आरोपी। अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बांधनवाड़ा टोल के पास गिरफ्तारी हुई थी। आर्थिक अपराध न्यायालय में आज पेश हुई सोनी की जमानत याचिका और सोनी के अधिवक्ता ने DRI पर लगाया अवैध हिरासत में लेने का गंभीर आरोप। कहा, हिरासत के दौरान बड़ी मात्रा में कराए खाली दस्तावेज पर हस्ताक्षर। DRI के अधिवक्ता RN यादव ने जमानत का विरोध किया। कहा, वैध हिरासत में लेने का आरोप बेबुनियाद है। पूर्व में विदेशी सोना तस्करी के आरोप में स्वीकारा है जितेंद्र सोनी को और मास्टरमाइंड है आरोपी के पास बरामद हुई है खाड़ी देशों की मोबाइल सिम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रही है, अभी तक जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य सबूतों की जांच शेष। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी बने हुए। विमल जी, देखिए अगर पूरी जानकारी आपसे लेना चाहें तो क्या है जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए इंदु जी, ये पूरा मामला जो है ये 17 नवंबर 2023 को उजागर हुआ था, जब एयर अरेबिया की फ्लाइट से नारायण राम के नाम के एक आदमी को पकड़ा था, जो 1,143 ग्राम सोना जिसका मूल्य 71,09,460 रुपए था ये लेकर के आया था। इस नारायण राम को लेने के लिए तीन रिसीवर आए थे जो इसको लेने के लिए आए थे शेखावाटी के, जिनके नाम जगदीश सिंह कड़वासरा, अमित कुमार यादव, राहुल यादव है। जब DRI को इसकी भनक लगी तो इन्होंने इन चारों को रोका और इस पूरे मामले की शुरुआत यहाँ से हुई 17 नवंबर 2023 को। उसके बाद जो मिस्टर जितेंद्र सोनी है, जिसे कथित रूप से मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इनका टिकर में जहाँ काम करता है, ये जोड़ा बुलियन के नाम से इनकी फर्म है, इनके यहाँ छापा मारा है। इसके बाद इसको अनेक बार सम्मन आदि दिए गए कि भाई तो आप आओ और अपना पक्ष रखो, लेकिन ये कभी नहीं आया। 3 मई 2024 को अजमेर भीलवाड़ा टोल बंद, जो बंधनवाड़ा टोल नाका है वहां पर इसको पकड़ा गया और उसको पकड़ने के बाद में फिर 4 तारीख को इसको गिरफ्तार किया, इसके बयान लिए और अब तक DRI को जो सबूत मिले हैं उसके अनुसार ये 200 किलो 700 ग्राम सोने की स्मगलिंग में इन्वॉल्व रहा है, जिसका मूल्य 120.08 करोड़ रुपए के आसपास है। अदालत में आज इसकी जमानत याचिका पेश हुई थी। जमानत याचिका में जो इसका सोनी का अधिवक्ता है उसने कई आरोप भी लगाए हैं, जिनका जो DRI के अधिवक्ता मिस्टर RN यादव है उन्होंने जवाब भी दिए हैं। और इस मामले की सुनवाई के बाद में जो अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट मिस्टर लव प्रजापति हैं, इन्होंने इसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जो आरोपी जितेंद्र सोनी है ये 4 मई को गिरफ्तार होने के बाद से जेल में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विमल जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।